जय श्री राम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल बड़ी। स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर एक नए ट्रैवल कंटेंट, एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों कालका शिमला रेलवे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जिसे कि आप लोग टॉय ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यह एक हिस्टोरिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है, और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इसे ब्रिटिश ने 1903 में बनाया था दोस्तों, सो दैट जो समर कैपिटल शिमला था वहाँ तक का एक्सेस उन लोगों को मिल सके। उसके अलावा दोस्तों यह जो रूट है यह दोस्तों काफ़ी शानदार लैंडस्केप्स को दिखाता है, माउंटेन्स को, पाइन्स फॉरेस्ट के जो व्यूज़ होते हैं दोस्तों वो इस ट्रेन से दोस्तों आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अनुभव कर सकते हैं। एक बात और है दोस्तों कि जब भी आप लोग शिमला जाएं तो इस ट्रेन में ट्रैवल करना ना भूलें, क्योंकि यह दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार अनुभव रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप लोगों को मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यह जो ट्रेन रूट है दोस्तों इस पर टॉय ट्रेन जो चलती है वो बेसिकली दोस्तों कोई खिलौने वाली ट्रेन नहीं है, बल्कि दोस्तों एक छोटे ब्रॉडगेज वाली छोटी ट्रेन्स होती है जिनके की जो कोचेस है दोस्तों वो साइज़ में काफ़ी स्मॉल होते हैं, इस वजह से दोस्तों इसे टॉय ट्रेन कहा जाता है। इसके साथ में अब हम लोग यदि दोस्तों बात कर लें इस रूट की, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यह जो ट्रेन है यह कालका जो कि चंडीगढ़ के नॉर्थ में स्थित है उसे कनेक्ट करता है शिमला से जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा दोस्तों यह जो रूट है यह करीब दोस्तों 96 किलोमीटर का है, 60 माइल्स, और इसके अलावा दोस्तों यह करीब करीब 20 रेलवे स्टेशन्स को पार करती है, 103 गुफाओं को, टनल्स को, 800 पुल ब्रिजेस को यह पार करती है, और इसके अलावा दोस्तों 900 इनक्रेडिबल कर्व्स भी यह ट्रेन पार करती है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो सबसे लंबी टनल है वो दोस्तों रेलवे स्टेशन बरोक के पास में स्थित है, और इस टनल का दोस्तों करीब करीब में साइज़ 1 किलोमीटर के अराउंड होता है। अलावा दोस्तों आप लोगों को बता दूं जो सबसे अच्छी सीनरी है वह आप लोगों को दोस्तों बरोक से शिमला के बीच में यहां पर देखने को मिलती है, और जो स्पीड है दोस्तों इस ट्रेन की वो दोस्तों रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि दोस्तों यह जब ऊंचाई पर चलती है इतनी ऊंचाई पर दोस्तों हाई स्पीड में ट्रेन का चलना अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तों, एक्सीडेंट कैन हैपन ऑन द रूट। लेकिन दोस्तों इसका एक फ़ायदा होता है टूरिस्ट्स को कि वो लोग इन सीनिक ब्यूटीज़ को, इन लैंडस्केप्स को अच्छे से देख पाते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों यह जो रूट है यह करीब दोस्तों 5 से 6 आवर ट्रेन जर्नी होती है। अब दोस्तों बात कर लें टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन सर्विसेज के बारे में, तो इसमें जो है दोस्तों एक ट्रेन चलती है दोस्तों, 4 रेगुलर ट्रेन्स इसके अंदर रन होती है दोस्तों कालका शिमला रेलवे रूट पर। सबसे पहली है दोस्तों शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस जो कि दोस्तों बहुत ही प्रीमियम एक्सप्रेस ट्रेन है कारपेट के साथ में, एंड दोस्तों इसके जो विंडोज़ है दोस्तों काफ़ी वाइट ग्लास के हैं, कशन्ड सीट्स आप लोगों को मिलती है दोस्तों, रिलैक्सिंग म्यूजिक जो है वो प्ले होता रहता है, एंड अपग्रेडेड टॉयलेट्स भी इस ट्रेन के अंदर इंस्टॉल्ड है फ्रेंड्स। इसके अलावा दोस्तों यह जो ट्रेन है यह करीब 120 पैसेंजर्स को फिट करती है अपने अंदर, खाना भी आप लोगों को दोस्तों ऑन बोर्ड मिल जाता है, एंड यह ट्रेन दोस्तों ओनली 1 स्टॉपेज पर रुकती है जो कि है दोस्तों बरोक रेलवे स्टेशन। इसके अलावा दोस्तों इस रूट पर यह ट्रेन कहीं भी नहीं रुकती है। सेकेंड ट्रेन के बारे में यदि हम लोग बात कर लें दोस्तों तो वह है दोस्तों हिमालयन क्वीन। यह दोस्तों एक स्टैंडर्ड ट्रेन है जिसमें कि आप लोगों को दोस्तों फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास के कैरेजेस मिल जाते हैं, खाना इसमें दोस्तों प्रोवाइड नहीं किया जाता है। बाकी दोस्तों आप लोगों को यह ट्रेन 9 स्टॉपेज पर रुकती है स्टेशन पर, जहाँ से कि आप लोग दोस्तों फूड वगैरह ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों कुछ स्टॉप्स इसके 5 से 10 मिनट के भी होते हैं, जिससे कि जो टूरिस्ट है दोस्तों वह आसपास की सीनरीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और फोटोशूट वगैरह का मज़ा भी यहां पर ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहां पर दोस्तों रेल मोटर कार शिमला। दोस्तों यूनिकली रिसेम्बल करती है यह एक बस को, और यह दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम की एक बस होती थी उसको रिसेम्बल करती है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो रूफ है दोस्तों वो ट्रांसपेरेंट होता है, और इसके अंदर दोस्तों ओनली 14 पैसेंजर्स फिट होते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें आप लोगों को खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इसका स्टॉपेज ओनली बरोक पर होता है, लेकिन दोस्तों इस ट्रेन का, इस रेल मोटर कार का दोस्तों जो टिकट लेना है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए दोस्तों इसे आप थोड़ा पहले ही बुकिंग करके चलें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो ट्रेन है दोस्तों वो है दोस्तों विस्टाडोम हिम दर्शन एक्सप्रेस।
यह दोस्तों एक नई ट्रेन है जिसके अंदर की दोस्तों करीब 7 कोचेस होते हैं, 7 डब्बे होते हैं दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों आप लोगों को ग्लास रूफ देखने को मिलेगा एंड विंडोज भी दोस्तों मॉडिफाइड है, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही शानदार पैनोरामिक व्यूज देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यह एक लौती ऐसी ट्रेन है जो कि एयर कंडीशन होती है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि अगर आप लोग दोस्तों बहुत ही शानदार और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों इन्हीं 4 ट्रेनों में से कोई एक सिलेक्ट करें, जो कि है शिवालिक, रेल मोटर का, विस्टाडोम। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बता दूं मैं कि जैसे यदि आप लोग फर्स्ट क्लास में करते हैं तो हिमालयन क्वीन के अंदर, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड होती है, इसलिए दोस्तों आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इन्हीं 3 ट्रेन शिवालिक, रेल मोटर कार और विस्टाडोम के अंदर ट्रैवल करें। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों इन ट्रेन्स के टाइम टेबल के बारे में, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यह कालका से शिमला और शिमला से कालका ट्रेन्स किस टाइम पर चलती है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रेन्स की कि यह कालका से शिमला के लिए कितनी बजे और कब कब चलती है। सबसे पहले ये दोस्तों कालका शिमला NG पैसेंजर सुबह 3:30 बजे यह निकलती है कालका से और शिमला 8:55 पर पहुँचती है। इसके बाद में दोस्तों रेल मोटर कार स्पेशल, जो कि कालका से सुबह 5:30 बजे निकलती है और 9:30 बजे शिमला पहुंच जाती है। इसके बाद में आती है दोस्तों शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि दोस्तों कालका से 5:45 पर सुबह निकलती है और शिमला 10:30 बजे पहुंच जाती है। इसके बाद में आती है दोस्तों शिमला कालका स्पेशल, जो कि दोस्तों 6:30 बजे सुबह कालका से निकलती है और 11:30 बजे शिमला पहुँच जाती है। इसके बाद में आती है दोस्तों विस्टाडोम हिम दर्शन एक्सप्रेस कालका शिमला फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जो कि कालका से सुबह 7:00 बजे निकलती है और शिमला 1:00 बजे के समथिंग में डिपार्ट अराइव कर जाती है। इसके बाद में है दोस्तों हिमालयन क्वीन कालका शिमला फेस्टिवल स्पेशल, जो कि 12:10 पर निकलती है दोस्तों दिन में और 5:30 बजे शाम को शिमला पहुँचा देती है। इन सभी की दोस्तों मैंने डिटेल्स के साथ में ट्रेन नंबर भी इसमें दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों शिमला टू कालका ट्रेन्स के बारे में, तो दोस्तों उसका कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर ले दोस्तों हिमालयन क्वीन शिमला कालका फेस्टिवल स्पेशल 4516 की, तो यह दोस्तों 10:40 पर सुबह डिपार्ट करती है और कालका अराइव करती है 4:10 शाम को। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों रेल मोटर कार स्पेशल 04506 के बारे में, जो कि शिमला से डिपार्ट करती है 11:40 पर सुबह और कालका पहुँचती है 4:30 बजे शाम को। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों शिमला कालका पैसेंजर 5245-8 की, जो कि शिमला से डिपार्ट करती है दिन में 2:20 पर और कालका अराइव करती है दोस्तों 8:15 बजे रात को। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों दर्शन एक्सप्रेस शिमला कालका फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की, जिसका कि नंबर है दोस्तों 4518, जो कि शिमला से डिपार्ट करती है दोस्तों 3:50 पर और कालका। इसके बाद में आती है दोस्तों शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, ट्रेन नंबर 4528, डिपार्ट करती है दोस्तों शिमला से शाम को 6:00 बजे और कालका आती है दोस्तों रात को 10:30 बजे। नेक्स्ट थिंग दोस्तों, ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन के टिकट लेना पड़ेंगे, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को इनके ट्रेन फेयर्स के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे यदि बात कर लें शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस ट्रेन की, तो इसका फेयर है दोस्तों 500 रुपीज फॉर एडल्ट एंड फॉर चिल्ड्रन इट इज़ 255 रुपीज। नेक्स्ट है दोस्तों हिमालयन क्वीन, जिसका की टिकट 470 फॉर एडल्ट एंड 235 फॉर चिल्ड्रंस। इसके बाद में आती है दोस्तों रेल मोटर कार, जिसका कि दोस्तों 320 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 160 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रंस है। इसके बाद में आती है दोस्तों विस्टाडोम हिम दर्शन एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका कि दोस्तों 800 रुपीज़ फॉर एडल्ट है और चिल्ड्रन के लिए भी यही है दोस्तों, पर पैसेंजर के हिसाब से यह रेट फिक्स है दोस्तों। इसके बाद में आती है दोस्तों कालका शिमला NG पैसेंजर एक्सप्रेस, जिसका कि फेयर है दोस्तों 270 रुपीज़ फॉर एडल्ट फॉर फर्स्ट क्लास एंड 135 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रंस। इसके बाद में है दोस्तों कालका शिमला NG एक्सप्रेस ट्रेन, 295 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 150 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन इन फर्स्ट क्लास, 65 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 25 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रंस इन सेकेंड क्लास। तो दोस्तों इनमें से आप लोग चाहे उस ट्रेन का टिकट आप लोग बुक करा सकते हैं दोस्तों। किसी भी ट्रेन की बुकिंग के लिए दोस्तों आप लोगों को कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों कुछ ट्रेन्स में यदि आप लोग टाइम पे बुक नहीं करते हैं और रिजर्व सीट नहीं है आप लोगों के पास में, तो उस केस में दोस्तों 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा फेयर आप लोगों को पे करना होता है। तक भी वीडियो देखने के बाद में दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। इसके अलावा दोस्तों इन एडिशन टू द नॉर्मल ट्रेन सर्विसेज, स्पेशल ट्रेन्स भी ऑपरेट करी जाती है बिजी हॉलीडे सीजन्स के दौरान, जो कि दोस्तों मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, जनवरी में होता है। इसके अलावा दोस्तों दो स्पेशल हेरिटेज कैरेजेस भी हैं जो कि इस रूट पर रन करते हैं, जो कि दोस्तों एक है द शिवालिक पैलेस टूरिस्ट कोच,
जिसे कि 1966 में बनाया गया था। इसके अलावा है दोस्तों शिवालिक क्वीन टूरिस्ट कोच, जो कि दोस्तों 1974 में बनाया गया था। जो ये दोनों जो कैरेजेस है दोस्तों, इन्हें इंडियन रेलवे ने रिफर्बिश करा है और एक नए तरीके से टॉय ट्रेन्स के अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ट्रेन रिजर्वेशंस की यदि बात कर लें तो टिकट बुक कर सकते हैं आप लोग इंडियन रेलवेज की वेबसाइट से, IRCTC दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो आप लोग जो सीज़न होता है अप्रैल टू जून का, उसके लिए यदि आप लोगों को टिकट्स चाहिए तो आप लोग दोस्तों महीने भर पहले ही इन्हें बुक करके रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों कालका स्टेशन का कोड है KLK एंड शिमला का कोड है दोस्तों SML। उसके अलावा दोस्तों ट्रैवल टिप्स में आप लोगों को बता दूं मैं, आप लोग दोस्तों ट्रेन में जो सीट है वो राइट साइड में ले दोस्तों शिमला जाते समय, और लेफ्ट साइड में ले दोस्तों जब आप लोग शिमला से कालका की तरफ वापस आएँ, क्योंकि दोस्तों इस तरफ से जो आप लोगों को दोस्तों जो व्यूज़ मिलेंगे दोस्तों, जो लैंडस्केप्स मिलेंगे दोस्तों, वो काफ़ी शानदार और काफ़ी यादगार भरे लम्हे आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर नेसेसरी हो तो आप लोग दोस्तों कालका में एकोमोडेशन ज़रूर लें, और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग रात में सफ़र कर रहे हैं तो कालका की जगह पे दोस्तों परवानू, जो कि थोड़ा सा ही दूर है कालका से, वहाँ पर दोस्तों शिवालिक होटल करके वहाँ पे आप लोग दोस्तों रुक सकते हैं। वो दोस्तों काफ़ी अच्छा स्पा रिजॉर्ट है और वहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी आनंद आएगा दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। आज की मेरी इस वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को शिमला टॉय ट्रेन से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करी है। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। उसके अलावा दोस्तों प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट आप लोगों को मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं आप लोगों के लिए दोस्तों ऐसे ही यादगार लम्हे या अच्छे अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। थैंक यू फ्रेंड्स।